कुछ दिनों पहले सनी देओल की बॉर्डर 2 अनाउंस हुई, फिर खबर आई कि इसमें वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। जनता खुश, लहलोट हो गई। मगर इसकी अनाउंसमेंट के बाद ही साल 1997 में आई बॉर्डर की मुसीबतें बढ़ गई। जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर भरत शाह ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। भरत शाह की तरफ से कंप्लीट सिनेमा नाम की मैगजीन में जेपी दत्ता के खिलाफ इस पब्लिक नोटिस को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पहली वाली बॉर्डर के पूरे राइट्स उनके पास हैं। इस बात को लेकर 21 नवंबर 1994 को दोनों पार्टियों के बीच एक अग्रीमेंट भी हुआ था, मगर दोनों पार्टियों के बीच असहमति के चलते ये तय किया गया था कि बॉर्डर से हुए प्रॉफिट को आधा आधा बांटा जाएगा, यानी कि शेयर किया जाएगा। अब भरत शाह का कहना है कि जेपी दत्ता ने उन्हें पहली फिल्म की सफलता के बाद प्रॉफिट का एक रुपया भी नहीं दिया, जिसके बाद 2012 में उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2014 में इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल में भी जेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस पब्लिक नोटिस में बताया गया कि जेपी और भरत के बीच हुए अग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि बॉर्डर कैसी चल रही है और कितनी कमाई कर रही है, इन चीज़ों की जानकारी भी भरत को दी जाएगी। मगर जेपी की तरफ से उन्हें कोई अपडेट नहीं दिया गया। भरत शाह के मुताबिक जेपी दत्ता ने इस अग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ कोर्ट में गए थे। अब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में सिविल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया है। इस पब्लिक नोटिस में एक तरह की चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो जेपी दत्ता के साथ बॉर्डर फिल्म से जुड़े हैं या किसी भी तरह की डील करने जा रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि जो कोई भी बॉर्डर से जुड़ी कोई डील जेपी के साथ करने जा रहे हैं, वो अपने रिस्क पर ये काम करें, क्योंकि उनके खिलाफ मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। साल 2021 में बॉलीवुड हंगामा ने इस मामले में भरत शाह से बात भी की थी। उन्होंने कहा था, जेपी दत्ता ने हमें कुछ भी नहीं बताया था, जब सोनी को इसके राइट्स बेचे गए तो मुझे मेरा शेयर मिला, इसके अलावा बॉम्बे सर्किट में भी मुझे शेयर्स मिले, मगर उसके बाद कुछ नहीं मिले। भरत शाह ने कंफर्म किया कि साल 2012 में फाइल की गई उनकी शिकायत अभी भी चल रही है। उन्होंने कहा, उनके केस के लिए उन्हें बस तारीखें ही मिल रही हैं। कोविड की वजह से ये केस और डीले हो गया। खैर, बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और जेपी दत्ता इसके को प्रोड्यूसर हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप सिनेमा। शुक्रिया।